हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की। यस्टरडे आई वाज इन अ क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लैब प्रिपरेशन एंड अ मैन्युफैक्चर। इस चैप्टर के ना दोनों चीजें आती हैं, एक आता है लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया और दूसरा आता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि लैब प्रिपरेशन इज बेसिकली टू मैन्युफैक्चर और टू प्रिपेयर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, वेयर एज मैन्युफैक्चर इज ऑन द अदर हैंड विल बी अ लार्ज प्रोडक्शन। तो हमें बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्रियल वे में करना है, तो उसको मैन्युफैक्चर कहते हैं। और हमें छोटी सी क्वांटिटी बनानी लैब के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं लैब प्रिपरेशन। ठीक है जी, तो टेक्निकल बात थी, हम लोग इस पे आते हैं कि लैब प्रिपरेशन अमोनिया कैसे हो सकता है। हम लोगों ने दो रिएक्टेंट्स लिए, पहला लिया अमोनियम क्लोराइड। हम कोई भी क्लोराइड ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड फीजेबल रहती है, आराम से मिल जाती है, सस्ती होती है। एंड अनदर वन इज स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। हम कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लें, हम कोई भी एल्कली ले लें, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, CaNCl, Cl विल फॉर्म CaCl2 प्लस वाटर, और साथ में हमें मिलेगी अमोनिया गैस। इसी का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, दिस विल कम आउट टू बी 2 अमोनिया, अमोनिया विल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 2 प्लस OO इज बैलेंस, O इज नॉट बैलेंस, तो वाटर भी 2 आ जाएगा। जो भी इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग होती है, जो भी इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग होती है वो उसका वॉल्यूम सिग्निफाई करनी होती है। जैसे यहां पर अमोनिया और वॉटर का वॉल्यूम बराबर है 2:2, लेकिन CaCl2 और वॉटर का वॉल्यूम 1:2 है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो है। कभी कभी हम पूछ लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर कि बाय वेट क्या रेशियो है, अगर आप उनके वेट निकालोगे तो ये अराउंड इतना आएगा 2:3 बाय वेट। तो ये दोनों चीज जानने वाली है। अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एक बात बताइए, यहां पर हम लोग स्लेक्ड लाइम है और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, हम लोगों ने एक चीज ज्यादा क्यों ली है, बाय वेट भारी है जो चीज वो ज्यादा क्यों ली है, ठीक है ना। ऐसा इसका कारण ये है कि हम लोगों ने एक चीज ज्यादा इसलिए ली है क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड ना, दिस इज अ सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, सब्लिमेट करता है, तो सब्लिमेट करने से उड़ जाता है। जैसे आपकी ओडोनिल की बॉल्स होती हैं, आप लोगों ने कभी उसको लिक्विड फॉर्म में देखा है? नहीं, वो हमेशा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आती है। ऐसे ही ये सब्सटेंस सब्लिमेट हो जाता है, लेकिन ये महंगा होता है कंपैरेटिवली इससे, तो हम लोग ये ज्यादा यूज कर लेते हैं। इसलिए मैं यहां पे बोला जा रहा है कि 2:3 बाय वेट, जिससे इसके लॉस ऑफ सब्लिमेशन को ये बचा लेगा और आप लोगों का रिएक्शन चलता रहेगा और आपको अमोनिया गैस मिलती रहेगी। ठीक है जी, तो रिएक्शन शुरू हुआ, दोनों रिएक्टेंट्स के साथ आपको अमोनिया गैस मिल गई, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिले, कैल्शियम क्लोराइड वो यहीं पर ही रह जाएगा, प्लस वाटर, वाटर उड़ेगा। वाटर उड़ने के बाद से क्या होगा, अगर हम ध्यान से देख रहे हो इस फिगर को, तो इस फिगर में बड़ी खास बात है, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको टेढ़ा रखा है, इन्वर्टेड रखा है, स्लांटिंग पोजिशन में रखा है। स्लांटिंग पोजिशन से फायदा क्या होता है, ये जो मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर जो उड़ रहा है हवा में, ये वापस यहां पर ना जाए, ये मॉइस्चर यहां से होने के बाद यहां से होने के कुछ यहां पर कलेक्ट हो जाएगा। इन केस कुछ मॉइस्चर यहां पर ऊपर की तरफ चला भी गया तो वो अमोनिया के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो अमोनिया के साथ मिक्स होकर यहां पर आगे की तरफ जाएगा, दैट इज अमोनिया प्लस वाटर। जैसे ही अमोनिया प्लस वाटर आगे की तरफ जाएंगे यहां से, तो यहां पर एक टायर लगा हुआ है जिसमें ड्राइंग एजेंट रखा हुआ है, ड्राइंग एजेंट इज क्विक लाइम CaO। हम अमोनिया गैस को ड्राई करते हैं CaO से, ऑल्दो वी हैव अदर ड्राइंग एजेंट्स ऑल्सो एज H2SO4 एंड P2O5, लेकिन हम लोग इनसे इसको ड्राई नहीं करते, हम लोग CaO से ही ड्राई करते हैं, बिकॉज अमोनिया इज अ बेसिक गैस। ये एक बेसिक गैस है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यह बेसिक गैस क्यों है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, लिविस कंसेप्ट। तो इट्स अ बेसिक गैस, और बेसिक चीजों को हम लोग हमेशा बेसिक ड्राइंग एजेंट से ही ड्राई कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों एसिडिक ड्राइंग एजेंट्स हैं। अगर मैं एसिडिक ड्राइंग एजेंट्स के साथ बेसिक गैस को ड्राई करूंगा, तो एसिड प्लस बेस विल कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो इसलिए ये दोनों ड्राइंग एजेंट्स फेल हो जाते हैं। यहां से अमोनिया गैस ड्राई होगी, तो अमोनिया प्लस वाटर था, इसमें से वाटर सारा का सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया और यहां पर ऊपर की तरफ आई सिर्फ अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस ऊपर की तरफ जाने लगी, तो यहां पर सारी की सारी अमोनिया गैस कलेक्ट हो गई। अब अमोनिया गैस क्या होती है, अमोनिया गैस इज अ लाइटर गैस, ध्यान से देखिए कैसे, अमोनिया NH3, NH3 का अगर मैं वेट देखूं तो वेट कितना आता है, नाइट्रोजन इज 14 प्लस 3 दैट इज 17, वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 17 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8.5, एयर की वेपर डेंसिटी होती है 14.4,
तो एयर इज 14.4 एंड अमोनिया इज 8.5, तो जाहिर सी बात है अमोनिया जो है वो एयर से हल्की है और जो चीज हल्की होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर सारी की सारी अमोनिया चली गई ऊपर की तरफ और यहाँ पर जितनी भी एयर थी एयर आ गई नीचे की तरफ, तो जो एयर थी वो नीचे आई, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ अमोनिया गैस इज कलेक्टेड, अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ऐसा क्यों होता है, इसके दो कारण है, मैं आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं, सुनिए ना ध्यान से। पहला कारण, अमोनिया गैस इज लाइटर देन एयर, अमोनिया गैस बहुत ही ज्यादा लाइट है इसलिए ऊपर जाती है तो एयर नीचे आती है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण, हम कह सकते हैं कि अमोनिया गैस इज अगेन हाईली सोलिबल इन वॉटर, अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोराइड गैस से भी HCl गैस से भी ज्यादा सोलिबल है, वन वॉल्यूम ऑफ वॉटर कैन डिजोल्व अराउंड वी से 702 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया गैस, तो एक पानी का लीटर, एक लीटर पानी 700 लीटर अमोनिया गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको पानी के अंदर कलेक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो अमोनिया गैस को हम लोग हमेशा कलेक्ट करते हैं थ्रू वाटर, तो इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसके दो कारण है, पहला इट इज लाइटर देन एयर, दूसरा इट इज हाईली सोल्युबल इन वाटर। इसको हम लोगों ने ड्राई कैसे किया, इसको हम लोगों ने ड्राई किया है बाय क्विक लाइम, हमारे पास अदर ऑप्शंस भी थे सल्फ्यूरिक एसिड और P2O5 वाले, लेकिन क्विक लाइम वुड बी अ बेटर ऑप्शन बिकॉज इट्स अ बेसिक, इट्स अ बेस, तो बेसिक गैस विल बी ड्राइड बाय अ बेस। उसके बाद कलेक्ट हो गया, ड्राई हो गया, हाँ हम कह सकते हैं कि अगर अमोनिया गैस हम लोगों को मिल गई है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो एक रॉड है जिसके अंदर अमोनिया गैस है, तो सोचो अगर अमोनिया गैस है एक रॉड के अंदर, तो मैं अगर एक HCl की रॉड लेके आऊं, एक टेस्ट ट्यूब है अमोनिया गैस की, मैं एक रॉड लेके आता हूं जिसके अंदर HCl हो, HCl डूबा हुआ हो, तो सोचो अमोनिया गैस फट से HCl के साथ रिएक्ट करेगी और आपको दे देगी डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया गैस है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमें कैसे पता लगेगा, हम लोग एक रॉड लेके आएंगे, रॉड डिप्ड इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके चले जाएंगे और देखेंगे थोड़ी देर बाद यहां पर डेंस वाइट फ्यूम्स आने लग जाएंगे, किसके, अमोनियम क्लोराइड के डेंस वाइट फ्यूम्स। ठीक है जी, आखिरी चीज हम लोग कह सकते हैं कि हायर रेशियो ऑफ एल्कलीज टेकन, हाँ एक बहुत ही प्यारी चीज बोली गई है जो कहती है कि हम कोई भी अमोनियम सॉल्ट यूज कर लेते हैं लेकिन हम लोग अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्राइट यूज नहीं करेंगे, इनके साथ अमोनिया गैस प्रिपेयर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर हम अमोनियम नाइट्रेट यूज करेंगे तो इससे रिएक्ट होने से पहले ही ये हीट से डिकम्पोज हो जाएगी, और अगर ये हीट से डिकम्पोज हो गई तो ये बनाएगी N2O प्लस वॉटर। N2O और वॉटर जब बनते हैं तो ये जो N2O बना है इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इट्स एक्सप्लोजिव इन नेचर, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी हम लोग कहते हैं, इसमें आराम से फट से आग लग जाती है और एक्सप्लोजन हो सकता है, तो वी अवॉइड दिस रिएक्टेंट। हम कोई और अमोनियम सॉल्ट ले सकते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट हम लोग अवॉइड करते हैं। तो दिस वॉज द होल लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, द की पॉइंट्स हियर इज कलेक्शन एंड हाउ इट्स बीइंग ड्राइड, व्हाट इज द रेशियो टेकन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्लांटिंग पोजिशन ऑफ द फ्लास्क। The flask is slanted so that the water formed in the reaction may not trickle back into the reactants. अगर जो पानी बन रहा है ऊपर की तरफ, हम चाहते नहीं है कि वापस इसके अंदर गरम गरम reactants के अंदर जाए और इसको तोड़ दे, तो इसको बचाने के लिए हम लोगों ने इस flask को टेढ़ा रखा हुआ है। That's it for the lab preparation. Thank you.